हैं। गुमला जिले में न्यूज 11 भारत की खबर का असर दिखा है। दरअसल जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले 60 वर्षीय धनेश्वर कुमार की इंदिरा आवास और गाय शेड की आवेदन सूची में नाम काटे जाने के बाद युवक की सदमे से मौत हो गई थी। इस खबर को हमारे चैनल पर प्राथमिकता के साथ चलाया गया, जिसके बाद पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गुमला SDO की ओर से कार्रवाई की मांग किए जाने के बाद जिले के उपायुक्त ने दोषी पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जब हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा ज्ञात हुआ था कि पंचायत सचिव के द्वारा पैसे की मांग की गई थी, जिसके कारण से आके जो धनेश्वर राम जी थे उनको सदमा हुआ और सदमे के कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो ये आरोप जो है वो बहुत गहन है और इस आरोप के गहनता को जानते हुए हम लोगों ने अपना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है DC सर को भेजा था, जिसमें हमने अनुशंसा की मांग की थी सर से कि तत्काल रूप से उनको निलंबित किया जाए और एक विस्तृत जांच की जाए इस मैटर को लेकर। अगर आरोप सच पाए जाते हैं तो उनके ऊपर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। जब हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा ज्ञात न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है गुमला से यह खबर, जहां पर घाघरा के बद्री पंचायत सचिव निलंबित किए गए। हमने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी और देखिए किस तरह से आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो लाभुक है इंदिरा आवास और गाय शेड योजना में से लाभुक का नाम काट दिया गया था। बड़ी खबर गुमला से रही थी उस समय और सदमे से वृद्ध धनेश्वर राम की मौत हो गई थी और हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाया। हमारी खबर का असर हुआ है, घाघरा के बद्री पंचायत सचिव निलंबित किए गए हैं। गुमला से यह खबर, गुमला जिले में न्यूज 11 भारत की खबर का असर देखने को मिला है। जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले 60 वर्षीय धनेश्वर कुमार की इंदिरा आवास से नाम काट दिया गया था। धनेश्वर राम को नहीं मिला था योजना का लाभ, इंदिरा आवास। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।